फ्री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, फ्री एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम कुछ समसामयिक और धारणात्मक जो है विषयों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके बीच में अध्ययन के दौरान हमें दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मिले जो समसामयिक मुद्दों से भी संबंधित है और वर्तमान समय के समसामयिक परीक्षा उपयोगी चीज़ों से संबंध रखते हैं। तो इस कारण से जो हमने सोचा कि इसे जो है आप लोगों के साथ जो शेयर किया जा सके, इस पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण आपका विकसित होना आवश्यक है ताकि समसामयिक ऐसे मुद्दों से जो है आप परिचित हो सकें और एक ठोस नॉलेज में जो वृद्धि कर सकें। बेसिकली ये दोनों ही टॉपिक का नाम जो है एक सरोगेट एडवर्टाइजिंग है और दूसरा इथिकल हैकिंग है। ये दोनों ही नाम आते हैं और एक उच्च स्तरीय जो है समझ पैदा करते हैं। और सामान्यतः जो है जब हम करंट अफेयर्स की चीज़ें पढ़ते हैं और किसी घटना विशेष से जो है जोड़ करके जो है चीज़ों को देखते हैं तो बीच बीच में हमें ऐसे शब्द आते हैं। और हमने पूर्व में भी आप लोगों को बताया था कि कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर इस तरीके के शब्द आ रहे हैं जिनका कि हम कभी कभी जो है देखते हैं विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट में प्रयोग हो रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को कम से कम अर्थ के रूप में तो जरूर जो है परिचित हो जाना चाहिए ताकि यदि परीक्षा में टिप्पणी पूछा जाता है या आपके साक्षात्कार में उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो उस पर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो हम इसी में जो है एक को लेते हैं जो है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। सरोगेट एडवर्टाइजिंग में सरोगेट शब्द जो है पूर्व में जो है प्रचलित एक महत्वपूर्ण अवधारणा सरोगेट मदर से जो है निकला हुआ है, यानी कि जब कोई कपल जो है किसी बच्चे का जन्म देने में जो है असमर्थ होती है तो वहां पर जो है रियल मदर के स्थान पर जो है एक किराए की कोख के लिए जो है किसी जो है महिला को लिया जाता है और उसके जो माध्यम से किसी बच्चे को जन्म दिया जाता है तो उसे सरोगेट मदर कहा जाता है। तो यहाँ पर सरोगेट मदर होती है और इस सरोगेट मदर के ही कॉन्सेप्ट से सरोगेट शब्द को ला करके एडवर्टाइजिंग में जोड़ा गया है। और वो क्यों जोड़ा गया है, वो इस रूप में जो है कि अगर हम किसी वस्तु का जो विज्ञापन करते हैं, एडवर्टाइजिंग सामान्यतः किसी वस्तु का जो प्रचार प्रसार करके अपने बिजनेस को बढ़ावा देने को एडवर्टाइजिंग कहा जाता है, परंतु जब हम किसी वस्तु के माध्यम से या उसके भेष में या उसके आड़ में जो है किसी अन्य वस्तु के जो है प्रचार को बढ़ावा देते हैं तो उसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से सरोगेट मदर में जो है रियल मदर के स्थान पर जो है किसी किराए के जो है मदर के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया जाता था, उसी तरीके से यहाँ पर किसी वस्तु के जो है माध्यम से किसी अन्य वस्तु के जो है प्रचार पर बल दिया जाता है तो वह जो है सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहलाता है। इसमें सामान्यतः जो वर्तमान समय के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इसमें जो है शराब या सिगरेट या अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स में जो है काफ़ी कुछ सरोगेट एडवर्टाइजिंग का सहारा लिया जा रहा है। और इसका दुष्प्रभाव ये है कि विज्ञापन के माध्यम से चूंकि अल्कोहलिक सिगार या सिगरेट या इस तरीके की चीज़ों पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उस प्रतिबंध का भी जो है भंडाफोड़ किया जाता है और ऐसी वस्तुओं का जो है प्रचार किया जाता है जो सामान्य नियम कानून के अंतर्गत जो है प्रतिबंधित होती है। तो इस तरीके से सरोगेट एडवर्टाइजिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर किसी वस्तु के माध्यम से, और वो वस्तु ऐसी होती है जो प्रतिबंधित नहीं होती है, किंतु उसमें जो है उसी जो है वस्तु का सहारा लिया जाता है जो प्रतिबंधित नहीं होती है और उसके माध्यम से ऐसी वस्तु की तरफ संकेत किया जाता है, ऐसी वस्तु का जो प्रचार किया जाता है जो प्रतिबंधित होती है या जिसमें पान मसाले की चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से जो है आती हैं। तो इस तरीके से सरोगेट एडवर्टाइजिंग का एक कॉन्सेप्ट वर्तमान समय में आया है, जिस शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट का अध्ययन करने के दौरान हम लोग जो है देखते हैं। तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट शायद आपको जो समझ में आ गया होगा। विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो चीज़ें हैं जिसका उल्लेख करना नाम के रूप में तो उचित नहीं होगा, क्योंकि आप लोग भी अगर देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के न्यूज में चैनल्स पर आप लोगों को इसके एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट रहा इथिकल हैकिंग। अब यहाँ पर हम लोग हैकर सुनते हैं, यानी कि टेली कम्युनिकेशन इंटरनेट की दुनिया में जो है साइबर जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर उसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट हैकिंग का जो है। हैकिंग एक ऐसी अवधारणा है जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने टेक्निक्स के माध्यम से जो है इंटरनेट के सिस्टम में प्रवेश किया जाता है और उस सिस्टम की महत्वपूर्ण जो है सूचनाओं पर कंट्रोल किया जाता है, उसको ब्लॉक किया जाता है, जिससे सिस्टम को जो बाधित किया जाता है और इससे जो है किसी भी विभाग को किसी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी जो है क्षति होती है कि किसी समय विशेष पर यदि वह उन महत्वपूर्ण सूचनाओं को समय पर नहीं भेज पाता है तो उससे काम प्रभावित होती है, देश की सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें भी जो है प्रभावित हो जाती हैं। यह पिछले कुछ समय तक इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है इसका जो है दुरुपयोग जो है किया जाता रहा है।
तो हैकिंग यह कॉन्सेप्ट होता है। अब एक उसी से जुड़ा हुआ शब्द है इथिकल हैकिंग। इथिकल में पहले अब आप हम इथिक्स को समझ लेते हैं। इथिक्स एक ऐसी अवधारणा है जो किसी भी प्रोफेशन में जो है औचित्य पर बल देती है, सामाजिक न्याय पर बल देती है, आवश्यकता पर बल देती है, सहयोग पर बल देती है, संवेदनशीलता पर बल देती है। यह कॉन्सेप्ट होता है इथिक्स। और जब हम हैकिंग के क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं तो यह एक ऐसी अवधारणा पर बल देती है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी के माध्यम से जो है किसी सिस्टम की कमजोरियों को पकड़ा जाता है और उन कमजोरियों को सुरक्षित रखने के लिए जो है कुछ उस पर एक्स्ट्रा जो है टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिससे सिस्टम के कमजोरी को रोका जा सके और संभावित जो हैकिंग की जो संभावना है या हो सकने की जो स्थिति है उस पर नियंत्रण स्थापित करके किसी भी विभाग या ऑर्गेनाइजेशन को जो है सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो कुल मिलाकर किसे अगर निचोड़ में देखा जाए तो इथिकल हैकिंग एक ऐसी जो है हैकिंग की प्रक्रिया है जहां पर कमजोरियों को पकड़ करके उसे दूर किया जाता है, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से आज के संक्षिप्त लेक्चर में हम लोगों ने सरोगेट एडवर्टाइजिंग और दूसरा इथिकल हैकिंग के बारे में जो पढ़ा। ऐसे कुछ टर्म होते हैं जो टेक्निकली नए समय में जो है ईजाद होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को उनके अर्थ को जो है समझना आवश्यक होता है ताकि आप अपने उत्तर में, अपने वार्तालाप में, अपने साक्षात्कार में उन शब्दों का प्रयोग करके अपने कॉन्सेप्ट को, अपने अभिव्यक्ति को जो है प्रभावशाली बना सकें। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इससे आप अपने जो है तैयारी के स्तर को उच्च स्तर पर ले जाने में अपने आप को जो है मजबूत और सक्षम रूप से जो है महसूस करेंगे। तो आज के संक्षिप्त लेक्चर में बस इतना ही। पुनः अगले लेक्चर में कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।